नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये पूरी सीरीज है जैसा कि आपको पता है, मेष से मीन तक हम पहुँचे हैं धनु राशि पे। तो सूर्य जिनका भी धनु राशि में है उनके लिए है ये कार्यक्रम। तो यदि आप अपनी कुंडली को खोल के देखिए कि आपकी कुंडली में भी सूर्य जो है 9 नंबर जहां लिखा है वहां पे बैठा है, तो आप इसको देखें और अपने बारे में कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें। तो कुंडली में यदि 9 नंबर जहां लिखा है सूर्य वहां बैठा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए है। तो अब जानते हैं इसका फलादेश क्या होगा। जातक या जातिका बलवान होगा, ताकतवर होगा, शरीर हष्टपुष्ट होगा, गठीला होगा, शरीर बढ़िया सुंदर दिखाई पड़ेगा, बुद्धिमान होगा, तेज होगा, माता पिता और अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला होगा। यानी अपने घर से लेके बाहर भी जो लोग माता के समान की उम्र के हैं, पिता की समान उम्र के हैं, बड़े भाई के उम्र के समान के जो लोग हैं, उनका भी सम्मान करने वाला होता है और अपने सह कर्मियों की सहायता करने वाला होता है। चाहे वह बचपन में मित्रता हो, चाहे स्कूल कॉलेज से में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो सहकर्मियों का भी सहायक होता है, उनकी सहायता करने वाला होता है ऐसा जातक, मदद करने वाला होता है। मुसीबत में कोई फंसा है तो उसकी सहायता करके उसको निकालने वाला होता है। जातक जीवन में रुकता नहीं है और कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। शांत वातावरण में रहना बहुत पसंद करता है, खुद को भी शांत रखना चाहता है और अपने आसपास भी शांत वातावरण बनाए रखने में यह माहिर होता है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे घर, ऑफिस या दोस्ती या यारी या जहां भी बैठते हैं वहां का माहौल बिगड़े। विश्वास से भरा हुआ होता है, अन्य लोगों का विश्वास जीतने वाला भी होता है, खुद में भी कॉन्फिडेंस होता है और अपने कॉन्फिडेंस और विश्वास और अच्छी बुद्धि से दूसरों का भी विश्वास जीतने वाला होता है। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लोग समाज में उसको अच्छा मानते हैं, उसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ बात करना पसंद करते हैं। धर्म का साथ देने वाला होता है, न्याय का साथ देने वाला होता है, गीत संगीत में अच्छी रुचि रखता है, सुनने की ही नहीं उसको समझने की भी, और सभी का प्रिय होता है। जातक जो है, जातक हथियार व शस्त्रों का ज्ञाता होता है, या तो वह स्वयं के लिए रखता है या कई बार ट्रेनर होता है कि वो लोगों को सिखाता है कैसे हथियार चलते हैं, कैसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, निशाना लगाने की ट्रेनिंग समझ लीजिए, या प्रशिक्षण देना किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अपनी आत्मरक्षा के लिए चीज़ें चलानी सिखाई जाती हों, या मिलिट्री या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पे लोगों को ये सिखाना कैसे आत्मरक्षा की जाए, हथियार कैसे चलाया जाए, कैसे जूडो कराटे किए जाए इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है उसको जो टेक्निक्स होती हैं खुद को बचाने के लिए उनका ज्ञाता होता है, उसमें उसकी रुचि होती है, उसमें उसको अच्छी क्वालिफिकेशन होती है और उसी की कई बार वो नौकरी करके भी बहुत अच्छे पैसे और मान सम्मान कमाता है अच्छा ट्रेनर बन के। और अधिकतर देखा गया है मिलिट्री इत्यादि में या और जो ट्रेनर होते हैं जो इनको सिखाते हैं, ऐसे ही जातक या जातिका होते हैं। सूर्य तपस्वी है और धनु राशि यानी कि गुरु, गुरु जो है ज्ञानी है। तो तपस्वी और ज्ञानी का जो गुण है, यानी सूर्य और जो गुरु का जो आपस में मिलन है, यह जातक को बहुत शुभ परिणाम देता है, अच्छे परिणाम देता है जीवन में। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी है। तो अब आप देखिए, ये धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न मैंने उदाहरण के तौर पर ली है, आपकी कुंडली शायद किसी और लग्न की हो तो सूर्य किसी और जगह पर बैठा हो, किसी और हाउस में, यहाँ पर लग्न में बैठा है, हो सकता है आपके किसी और हाउस में बैठा हो। तो वहाँ से जब आप गिनेंगे नौ खाने, अब जैसे हम 9 से गिनना शुरू करते हैं, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी कि ये जगह आई 9th हाउस। तो आपकी भी जिस भी जगह पे सूर्य बैठा होगा कुंडली में, उससे 9 खाने जब आप गिनेंगे तो वहां पे आएगा 5 नंबर। तो उससे आप ध्यान से देखिएगा कि जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है वो भाव कैसा है, कौन सा खाना है वो वहाँ पे, और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं,
सूर्य की राशि में, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा ऐसे परिणाम पाने के लिए, शुभ परिणाम, जैसे जो मैंने आपको अच्छे अच्छे परिणाम बताए। तो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी ग्रहों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियाँ होनी चाहिए, अच्छे ग्रहों के साथ उनका संयोग होना चाहिए, युति होनी चाहिए, कौन से योग बन रहे हैं कुंडली में, कौन से अशुभ और कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ये सारा कुछ निर्भर करेगा आपको इस फल को प्राप्त करने के लिए, या जितना मैंने बताया हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए। तो इन सब चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए आपको कुंडली की विवेचना कराना बहुत आवश्यक है। तो कुंडली को एक बार दिखाएं तो हम आपको बता देंगे कि आपको एकदम सटीक क्या परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इतनी बातों में से कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही व्यक्तित्व के होंगे, आप ऐसे ही होंगे, ऐसे ही जीवन में आपको परिणाम और चीज़ें मिल रही होंगी। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता। ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसा कुछ आपकी कुंडली में और ग्रहों की प्लेसमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही हम और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हरिओम, नमस्कार।